नमस्कार दोस्तों, कैरियर गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल सिंह। अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए रेड बटन पर आप क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप YouTube मोबाइल पर ओपन करते हैं तो यहां पर कैरियर गुरुजी के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहां पर आप क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो को आप फौरन अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आधार SFTP आपको सरेआम धोखा दे रही है। देखिए, इसमें UID की ना तो UID की गलती है, ना ही आपकी गलती है, ये सिर्फ ओनली सर्वर की प्रॉब्लम है। तो आप अपना पैकेट अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद में भी आपको पता चलता है कि आपका पैकेट अपलोड नहीं हुआ है। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी वजह है, लेकिन आपको ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन कई लोग बाकी जानते नहीं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसको किस प्रकार से पूरी तरह क्लियर किया जाता है। आज भी कई लोगों को अपने सिस्टम में ये पता नहीं कि उनके कितने पैकेट अपलोड हुए हैं, कितने पैकेट अपलोड नहीं हुए हैं। तो मैं आपको आज सब कुछ सामने बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने सिस्टम में पता लगा सकते हैं कि आपके कितने पैकेट अपलोड हुए हैं, आपके कितने पैकेट अपलोड नहीं हुए हैं, और आपके LSP ने, यानी कि आपसे आपकी जो LSP है, जहाँ ये यानी कि जहाँ पे डाटा जाता है आपका, ठीक है, और वहाँ से UID पे पहुँचता है, तो LSP आपकी कब कितना चार्जेज काट चुकी है, उसका भी कारण आपको पता चल जाएगा कि आपका चार्जेज काटने का कारण आप खुद ही हैं। तो आधार SFTP धोखा देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, धोखा किस प्रकार से देती है। जब आप पैकेट अपलोड करते हैं तो कभी पाँच पैकेट आपने अपलोड किया, उसमें से चार ही पैकेट अपलोड हो जाते हैं। चार पैकेट अपलोड होने के बाद में आपको फिनिश लिखा हुआ आ जाता है। ओके, मैं आपको वन स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ इसमें, लेकिन क्या है कि मेरी SFTP पूरी तरह सही पहुँचती है, इसलिए मेरे पास इस वक्त आपके लिए किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बताने का। मैं एग्जाम्पल आपको कारण सही करने का, यानी कि सॉल्व करने की प्रॉब्लम, वो बताता हूँ मैं आपको। तो आप इसे अच्छी तरह गौर से देखिएगा और समझिएगा, और वीडियो पूरी देखनी होगी आपको। और हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही मज़ेदार आधार और CSC e-government जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, उनसे संबंधित सुविधाएं मैं आपको समय से पहुंचाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, मैं अपनी आधार SFTP एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे मोबाइल पर मुझे मैसेज मिला है, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए, आधार SFTP ओपन करने के लिए आपको एक OTP कोड जनरेट होता है, वो डालना होता है, जो कि मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद में वापस से आप आधार SFTP ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ लोगों की मुझे ये शिकायत है कि सर, हम आधार SFTP पे डाटा अपलोड कर देते हैं और उसके बाद में भी हमारा, जब हम आधार स्टेटस में चेक करते हैं तो कुछ ये मैसेज हमारे सामने शो होता है, और बहुत अच्छी तरह से गहराई से चेक करने के बाद में ही हम डाटा अपलोड करते हैं, और हमें पता है कि हमने डाटा अपलोड कर दिया है, फिर भी हमें इस अनजान धोखे का सामना करना पड़ता है, और हमें पता नहीं कि कैसे हो जाता है, किस कारण से हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका भी सॉल्यूशन है आपके पास, ये भी सॉल्यूशन आप क्लियर कर सकते हैं, इसको पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं ये तक सॉल्यूशन देता हूँ कि आपकी LSP आपको ट्रिक नहीं कर पाएगी अगर आप हर महीने की 15 तारीख को ये प्रॉब्लम, यानी कि 14 तारीख को ये प्रोसेस मेरी हर महीने प्रोसेस कर लें, तो आपकी एक रुपये भी लेट पेनल्टी चार्जेज नहीं कटेगा, क्योंकि आपकी LSP कभी आपको ट्रेक ही नहीं कर पाएगी कि आपने पैकेज अपलोड लेट किया है, या फिर आपने पैकेज अपलोड नहीं किया है, या फिर आपने बीच में से पैकेट अपलोड छोड़ दिया है, तो ये UID वगैरह आपके पेमेंट नहीं काट पाएगी। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन सही तरीके से बताऊंगा, अच्छी तरह आप देखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर विंडो में एक ही डिस्क है ओनली, तो मैं यहाँ सी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ ओके करता हूँ, तो मेरे यहाँ सर्चिंग ऑटोमेटिक, देखिए, आधार SFTP अपने आप अपने पैकेट को सर्च करती है। आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी पैकेट नहीं चढ़ा सकते हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पैकेट अपलोड कर रखे हैं, और वो भी पूरी तरह अपलोड कर रखे हैं, किसी भी प्रकार का मुझे धोखे का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं पूरी तरह सही सॉल्व सिस्टम के साथ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये आपको अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है। वीडियो को लगातार पूरी देखिएगा, आपका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना आधार कार्ड बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति का आधार कार्ड बनाते हैं, और उसके बाद में आपको प्रॉब्लम होती है कि अरे यार, ये तो बना ही नहीं है, तो अपलोड छड़ा ही नहीं, तो बनेगा कहाँ। तो आपके 15 से 20 मिनट बिना मतलब के जो ख़राब होते हैं, उसको मैं आपके बचाना चाहता हूँ, उसको मैं आपका सुरक्षित रखना चाहता हूँ, क्योंकि आधार का काम बहुत मेहनती काम है, और उसमें कोई खास बजट आपको मिलता नहीं है। वैसे मिलता तो अच्छा है, लेकिन
आजकल कुछ ज्यादा ही डीपली हो गया है, क्योंकि पहले वाले कैंडिडेट आ जाते हैं कभी कभी आधार कार्ड बनवाने और उसका पैसा यूआईडी हमें प्रोवाइड नहीं करती है। तो अब देखिए इसकी सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर जीरो पैकेट बता रहा है। अब आपको करना यह है कि मान लीजिए आपका 3 महीने या 2 महीने पहले किसी प्रकार का कोई पैकेट है और वो अपलोड नहीं हुआ है मान लीजिए, तो इसे सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे कि आपको यहाँ पर काउंसिल पैकेट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ये जब क्लिक होगा, जब आप डिस्कनेक्ट होंगे और अपना ओटीपी कोड जनरेट कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए डिलीट लोकल स्टोरेज पैकेज पे, आप क्लिक करके यस कर दीजिए, तो आपका पैकेट जो भी अभी तक जितने भी पैकेट थे सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने यहाँ पर सारे पैकेट अवेलेबल करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं वापस से अपनी लोकल डिस्क सी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको जीरो ही नज़र आएंगे और इसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की डिस्क यानी कि पैकेज की बढ़ोतरी नहीं होगी, यहाँ पर अभी भी ये जीरो है। तो आप सोचेंगे कि हम पहले वाले पैकेट को इस सिस्टम में किस प्रकार से लेके आए, यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा डाटा चढ़ा है नहीं चढ़ा है। एसएफटीपी तो कहता है कि डाटा चढ़ गया है, अब हम उसे शो नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप? ठीक है, डाटा चढ़ गया है और सिस्टम ये कहता है कि हम अब वापस से उसको वापस से नहीं चढ़ाएंगे। तो अब आपको करना ये है कि आप यहाँ काउंसिल पैकेज में स्टेटिक्स यूटिलिटी पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट यूटिलिटी, ओके, और यहाँ पर क्विक पैक करने पर यहाँ पर आपके पास जैसी जो भी डिस्क है ओके कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको जीरो नज़र आएगा, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। अब मैं आपको इसे दो तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको दो तरीके से ये सॉल्यूशन किया जा सकता है। एक तो आप अपने सिस्टम में टोटल ही, देखिए मैं आपको गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको गलत तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको दो तरीके जो बता रहा हूँ आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे एक तरीके को आजमाएंगे और दूसरे तरीके को नहीं आजमाएंगे तो आप लॉस में जाएंगे, आप परेशान होंगे, अपना समय व्यय खराब करेंगे बिना मतलब का। तो मैं आपको पहले वन पैकेट सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरा कोई पैकेट तैयार होता है, यानी कि जैसे मैंने आज 24/5/2017 को एक पैकेट बनाया, चलिए तो एक पैकेट बनाने का सिस्टम ये है कि पैकेट का एक फोल्डर बनाइए आप, फोल्डर बनाने के बाद में उसमें पैकेट डाल दीजिए। तो मैंने कुछ इस प्रकार से पैकेट बनाता हूँ कि मैं यहाँ पर ये देखिए अलग अलग तरीका, अब ये देखिए 24/5/2017 का एक पैकेट है जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, पूरी तरह ये सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब आपको ये पैकेट एसएफटीपी पे वापस लाना है। अब कई लोगों को ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अब आपको करना ये है कि आपको अंडू फाइल रीनेम यहाँ पर क्लिक करना है, ओनली क्लिक करने के बाद में आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 24 तारीख का एक पैकेट यहाँ पर एक पैकेट है वो मैंने यहाँ सेव कर रखा है और मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ लिखा आएगा पैकेट नेम रिसेट टू ओरिजिनल, ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप क्रॉस कर दीजिए। अब आप वापस से सी पे जाइए और लोकल पैकेट को सर्च करिए, तो आपको यहाँ पर 38 MB का 5 पैकेट शो हो जाएंगे। आप सिस्टम को कनेक्ट कर दीजिए। अब मैंने ये डाल चुका हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आई है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये सारी प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आप भी बिना मतलब के चार्जों से बच सकें, आप भी बिना मतलब के चार्जों से दूर हो जाएं, आप बिना मतलब की परेशानियों से सॉल्व हो जाए और आपका पैसा बिना मतलब के फिजूल कारणों से ना कटे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 5 पैकेट डाल रखे हैं और यहाँ जीरो हो रहा है। तो अब यहाँ पर डुप्लीकेट फाइल अपलोड करने का सिस्टम ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पैकेज को किस प्रकार से वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ मेरा ये पैकेट डला है या नहीं डला है। थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 1, 2 ओके, तो 2 डुप्लीकेट फाइलें अपलोड हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, ओके, जस्ट अ मिनट। अब मेरे पैकेज में किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटोमेटिक उसको सॉल्व कर लेगा। अगर मेरी एक छोटी सी भी फाइल अगर अपलोड नहीं हुई है तो यहाँ पर वो अपने आप अपलोड कर देगा और मुझे वेरीफाई कंप्लीट बता देगा, किसी भी प्रकार की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट अ मिनट, इस प्रकार से आप 1x1 पैकेज जो अपलोड करते हैं उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और अब आगे जैसे हम निकलते हैं तो आप चाहते हैं कि पूरा की पूरा सिस्टम, यानी कि आपने जितना भी, देखिए यहाँ डिस्कनेक्ट हो चुका है, जस्ट अ मिनट कनेक्ट करके मैं वापस से, ये प्रॉब्लम आए दिन बहुत आ रही है, खुद परेशान हूँ बहुत ज़्यादा।
देखिए परेशान की प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, किस सॉल्यूशन की किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको आधार से संबंधित हर प्रकार की सॉल्यूशन जो कि लॉजिकल ही होती है और आप परेशान होते रहते हैं उनसे, यहाँ ज़रूर मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर 5 पैकेज यहाँ पर मेरे पूरी तरह अपलोड हो चुके हैं, और यहाँ देखिए यहाँ नीचे यहाँ पर फिनिश लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब कुछ लोग ये मुझे मेरे पास कुछ मेल ऐसे आए हुए हैं कि उन लोगों ने ये कहा है कि सर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पैकेज कौन सा नहीं डाला है और कौन सा मुझे डालना है और कौन सा, मेरे पास पेनल्टी कट जाती है ओनली और मुझे पता ही नहीं कि कैसा डालना है कैसा नहीं डालना है। चलिए नहीं डला है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका पता लग जाए तो कुछ उससे पैसा आ भी जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ कैंडिडेटों का काम हो जाएगा। चलो हमारी पेनल्टी तो कट चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का काम तो हो कम से कम, उनका आधार बन के तो आए बेचारे, कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कई परेशान हो रहे हैं। तो देखिए आप वापस से ऐसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं उसके भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब आपको वापस से सी लेके यहाँ पर देखिए पैकेज गायब हो जाएगा, यहाँ पे कोई पैकेज नहीं आएगा, या फिर मैं आपको बताऊँ कि ऐसे FTP क्रॉस करके शुरू से ही बताऊँ आपको, देखिए यहाँ 0 पैकेज आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पैकेज अपलोड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ये दूसरी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ स्टार यूटिलिटी में आ जाइए आप, या अंडू फाइल रीनेम पे क्लिक कीजिए और आप अपने डिस्को को सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे आपकी सी डी ई आप कुछ भी बना रखी है, बस सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए, ओनली सी पर। सी पर क्लिक करने के बाद में आप इसे ओके कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिएगा। अब देखिए अगर मेरे पास डी भी होगी तो मैं उसी प्रकार से डी को भी, यानी ये मेरी डिस्क है DVD राइटर है, मैंने ओनली सी बना रखा है, तो अगर मेरे पास डी होती है तो आप जैसे मैंने सी पे क्लिक करके ओके किया है तो वैसे डी पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए, आप इसे क्रॉस कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा कि मेरे सिस्टम में जितनी भी फाइलें डली हुई थी आधार पैकेट की, वो सारी की सारी टोटल मुझे यहाँ पर शो होगी, और मैं उनका पूरा विवरण जान सकता हूँ कि अपलोड हुई भी है या नहीं हुई है, इनको अपलोड करना है नहीं करना है, कितना अपलोड हुआ है, कोई पैकेज बीच में रह रहा है या नहीं रह रहा है, चलो कोई डाटा डल गया है नहीं डला है, ये सब कुछ आपको थोड़ी ही देर में अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी मैंने सारा कुछ चेक कर रखा है, ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर रिकाउंसिल पैकेट हट जाएगा और यहाँ पर आप स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। देखिए आप लोगों के लिए वेट काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये मेरा डलेगा जिसमें, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे काट के आपको दिखाना चाहता हूँ। डायरेक्ट मेरा 7 में से 7 अपलोड हो चुका है, ठीक है, इसी प्रकार मैं डायरेक्ट आपको 4 में से 4 पे यहाँ पर वीडियो लेके आता हूँ। में से 301 पैकेज पूरे अपलोड हैं और मेरा किसी भी प्रकार का एक भी पैकेज नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। अब मैं वापस से इसे लोड पैकेज करके सी पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पर 0 वापस से आ जाएगा और आपका पैकेज रेगुलर आप आगे काम कीजिए, और एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको बिना मतलब की पेनल्टी और बिना मतलब के लोगों से झगड़ा या फिर प्रॉब्लम ना हो कि आपने पैकेज ही अपलोड नहीं किया और आपको पता है कि आपने अपलोड कर दिया, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको भविष्य में ना आए। और ये चीज़ आजकल हर कोई समझ चुका है कि इसका मतलब क्या होता है, और आपसे बिना मतलब की बहसबाजी ना हो
कस्टमर से। तो आधार SSPP जो धोखा दे रही है आपको, यानी कि किसी प्रकार से पैकेज रह जाता है, गलती से रह जाता है, या फिर आपकी गलती से रह जाता है, UID की गलती से रह जाता है, या फिर आधार SSPP के सिस्टम की गलती से रह जाता है, ये किसी भी तरीके से रहता हो, सॉल्यूशन आपको ही निकालना होगा। आप ही इसका सब कुछ निकाल सकते हैं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, क्योंकि भविष्य में मेरा भी कुछ मन करे कि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, अच्छी से अच्छा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।